हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो देखने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम का। लिटरली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ज़रूर करें इस क्वेश्चन को। आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। डिज़ाइन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 5 मीटर कैरिंग अ RCC फ्लोर द UDL ऑफ 20 kN/m इम्पोज लोड एंड 15 kN/m एस डेड लोड। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देखते हैं पहले। इम्पोज लोड यानी कि लाइव लोड होता है। बेसिकली इम्पोज लोड में से उस लोड को कहा जाता है जो कि चलता फिरता लोड होता है, उसको ही हम इम्पोज लोड बोलते हैं। जो कि फास्ट मूविंग लोड होता है वो इम्पोज लोड होता है, जो कि 20 kN/m दिया। डेड लोड मतलब कि जो भी डेड लोड होता है, जो कि मतलब जो चलता फिरता लोड नहीं होता उसको हम डेड लोड बोलते हैं। 15 kN/m का टोटल लोड निकाल लेंगे तो इम्पोज लोड और लाइव लोड को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल लोड आ जाएगा। और 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर फैक्टर लोड आ जाएगा हमारा, जो कि हम टोटल लोड में मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें क्या दिया, स्पान लेंथ दी है 5 मीटर की और ये इतना दिया है बस हमें। ठीक है दोस्तों, अब आए हमारा थोड़ा कुछ अज्यूम करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। हम स्पान लेंथ हमें 5 मीटर दिए, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी अज्यूम कर लेते हैं। YM0 की वैल्यू 1.1 हमेशा यही होती है। Fe 4 से 10 ग्रेड का स्टील अज्यूम कर लेते हैं, जिसके लिए जो FY की वैल्यू होगी, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होगी, वो 250 Nm/mm² होगी। ये हमेशा याद रखें कि Fe 4 से 10 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए FY की वैल्यू 250 Nm/mm² ही लेते हैं। अब आते हैं अपने स्टेप टू पर हम निकालेंगे फैक्टर्ड शेयर फोर्स और फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू लोड के कारण। याद रखें, फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकाल रहे हैं और फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट निकालना है किसके कारण, ड्यू टू लोड के कारण निकालना है। उसका फॉर्मूला होगा फैक्टर्ड शेयर फोर्स का WLE/2 इफेक्टिव लेंथ LE और जो L रहता है वो दोनों ही इस बराबर रहते हैं। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, L और L बराबर है LE का ही। तो इस तरीके से हमारा 52.5 तो W की वैल्यू आई थी फैक्टर लोड की और 5 हमारी LE की वैल्यू दी गई थी अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हमारा 10 N में शेयर फोर्स आ जाएगा। फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे ड्यू टू लोड के कारण, M बराबर WLE/2 / 8 WLE/2 / 8। इस तरीके से फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा हमारा। आगे चलते हैं तो 52.5 × 5 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 8, तो ये 164.06 kN/m हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा जिसके कारण, लोड के कारण। अब आते हैं स्टेप 3 पे, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस। प्लास्टिक मॉडुलस के बेस पर हम सिलेक्शन ऑफ सेक्शन करेंगे। सेक्शन हमें ना कि ISLB या ISMB कुछ भी हमें नहीं दिया था, तो हमें हमारे पास जो कि जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम ZP रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग माध्यम से ही हम केवल सेक्शन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आपको IS कोड 800/2007 में पेज नंबर 53 पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा ZP रिक्वायर्ड का मूवमेंट इनटू γ M0/FY। तो यहाँ से हम जो है ZP रिक्वायर्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, 72.86 × 10⁻³ आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम IS कोड में जाएंगे, लास्ट ब्रेक IS कोड का जब एंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शंस दिए होंगे। वहाँ जाकर सेक्शंस में जाके आप पेज नंबर 138 पे जो ISL जो भी सेक्शंस इस ZP के अकॉर्डिंग लेंगे, तो जितना ZP हमारा आ रहा है, जैसे कि हमारा आ रहा है 72.86 mm² आ रहा है, तो इससे ज़्यादा वाला जो भी ISLB होगा जिसकी ZP जो है इससे ज़्यादा होगी, मतलब 72.86 से ज़्यादा जिसकी भी ISLB सेक्शन की या ISLB सेक्शन जिससे ज़्यादा होगी, वो ISLB हम चूज़ कर लेंगे। तो मैं IS कोड से 800/2007 से चूज़ कर लेता हूँ ISLB 400/588.20 Nm का, जिसमें हम सेल वेट दिया हुआ है 588.20 जो है सेल वेट ऑफ बीम है, तो इसको मैंने चूज़ कर लिया सेक्शन। आप एक बार जाके देखेंगे उसमें IS कोड में, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा इसके मैंने कैसे करी है। अब ZP की वैल्यू क्या है, जो मैंने सेक्शन चूज़ किया है उसकी वैल्यू है ZP की 1099.45 × 10³ तो बेसिकली ये मेरे को ज़्यादा ली, हमने सही है यहाँ पे, क्योंकि तो हमें जो है 721.86 × 10³ से ज़्यादा लेना थी। तो अभी ZP की वैल्यू हमने कितने ले ली है, 1099.45 ले ली, मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा, तो यही हमें ज़्यादा लेनी है, यही करना थी हमें। आप ISLB का कोई भी सेक्शन चूज़ कर सकते हैं। अब जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ISLB 400 की, वो रहेंगी हमारे सेक्शनल एरिया रहता है उसका 7243 mm², डेप्थ ऑफ सेक्शन D 400 mm, विड्थ ऑफ फ्लेंज BF 165 mm, थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF 12.5 mm और थिकनेस ऑफ वेब TF = 8 mm। ये सारी टर्मिनोलॉजी के लिए मैंने एक वीडियो बिल्कुल बेसिकली सारे बेसिक कंसेप्ट की वीडियो पहले बनाई है, जो आप जाकर देख लें पार्ट 1 में डिज़ाइन ऑफ
डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम की वीडियो बहुत कहाँ से सारा बेस बताया मैंने, उसमें ये सब चारी वैल्यू कहाँ से निकाल के बताई, तो वहाँ जाके आप जरूर देखें तो आपको समझ में जरूर आएगा, वो वीडियो आप जरूर देखें। रेडियस पर इलास्टिक मॉडुलस निकाल लेंगे, जेडी की वैल्यू सारी वैल्यूज आपको आईएस कोड और स्टील टेबल में मिल जाएंगी। आईएसएक्स मत और आई वाई वाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस हमने ये निकाला हुआ है। अगली स्टेप पर चलते हैं अपनी स्टेप नंबर नेक्स्ट पर। अब हमें निकालना सेल्फ वेट ऑफ बीम, तो सेल्फ वेट ऑफ बीम जो दिया है आई एस कोड में आपको दिया है पेज नंबर 138 पे। वहाँ पर आपको दो वेट मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में और एक मिलेगा आपको न्यूटन में। तो वहाँ पे अगर आप किलो न्यूटन वाला वेट उठाते हैं तो ये वही वाला वेट दिया है किलो न्यूटन वाला, ये वेट वो है किलो न्यूटन वाला ही। अगर आप किलोग्राम का वेट उठाते हैं तो वहाँ पे आपको 56.9 किलोग्राम पर मीटर का वेट मिलेगा। उसमें अगर आप 0.00981 का इंटू कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली किलो न्यूटन पर मीटर में। यहाँ से मैंने किया हुआ, यहाँ पर आप देख लेना इस तरीके से मैंने निकाला है, या डायरेक्ट भी वहाँ में जो डायरेक्ट दिया वही वेट यहाँ पे मैंने निकाला है। तो फैक्टेड वेट ऑफ बीम निकालेंगे, 1.5 का इंटू कर देंगे फैक्टेड वेट ऑफ बीम में, तो 0.5582 किलो न्यूटन पर मीटर था, इसको मैंने इंटू कर दिया तो फैक्टेड वेट ऑफ बीम आ गया मेरा 0.84 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम निकालेंगे फैक्टेड शेयर फोर्स ड्यू टू शेयर वेट के कारण। पहले हमने जो निकाला था वो हमें फैक्टेड शेयर फोर्स निकाला था लोड के कारण, अब हम निकालेंगे सेल्फ वेट के कारण। उसका फॉर्मूला भी वही होगा WLE/2, लेकिन यहाँ पे W की वैल्यू चेंज हो जाएगी, W की वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टर्ड वेट ऑफ बीम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0.84 × 5/2 के इस तरीके से हमारा फैक्टर्ड लोड शेयर फोर्स निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे फैक्टर्ड डिज़ाइन शेयर फोर्स वी, डिज़ाइन शेयर फोर्स निकालेंगे हम फैक्टर्ड, जिसका फॉर्मूला वो कैसे निकलेगा डिज़ाइन शेयर फोर्स, तो जो ऐसे निकलेगा कि हमें दो शेयर फोर्स अभी तक निकालें, एक तो सेल वेट के कारण है लोड को कारण, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन शेयर फोर्स वी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यही इसमें किया हुआ है। आगे चलते हैं तो फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, तो फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे ड्यू टू सेल वेट के कारण। पहले जो निकाला था पहले वो लोड के कारण निकाला था, इसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा WLE²/8। इस तरीके से ये भी निकल जाएगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है ये फॉर्मूला WLE²/8। इस तरह आप टोटल डिज़ाइन फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, तो उसके लिए वही करेंगे जो फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट था लोड के कारण और सेल्फ वेट के कारण, दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इस तरीके से यह जाएगा हमारा 166.68 किलो न्यूटन मीटर। आगे चलते हैं, अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, डेप्थ ऑफ वेव। तो डेप्थ ऑफ वेव मैंने आपको बता दिया था पुरानी वाली वीडियो में, जिसने नहीं देखा वहाँ जाकर देख लें डेप्थ ऑफ वेव क्या होता है, डी बराबर क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है D-2 × TF+R1। सारी टर्मिनोलॉजी आप पुरानी वीडियो में जाकर देखें, बहुत अच्छे से समझाई मैंने, सारा बेस आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमारी 343 mm जो है यहाँ पे डेप्थ ऑफ वेव की वैल्यू आ गई। बेसिकली डेप्थ ऑफ वेव क्या होता है एक बार बता देता हूँ मैं आपको, डेप्थ ऑफ वेव क्या होता है, जो डी लिखा है यहाँ पे, इतनी जो डिस्टेंस होती है फ्लेंज से लेकर फ्लेंज, ये जो वेव की डिस्टेंस होती है वो डेप्थ कहते हैं, और जो TF होता है TW जो होता है वो थिकनेस होता है इसका वेव का। ठीक है, तो ये जाएगी हमारे, अब सेक्शन क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू IS कोड 800/2007 के कारण कि हमारा जो सेक्शन है वो रोल्ड स्टील का या वेल्डेड कनेक्शन है। तो सबसे रोल्ड, इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, पहला होता है रोल्ड सेक्शन B/TF, B की वैल्यू जो होती है BF/2 होती है, मतलब विड्थ ऑफ फ्लेंज बाय 2 होती है। तो इस तरीके से आपने जो निकाले जो भी वैल्यू आएगी रोल्ड सेक्शन की, अगर वो 9.4 से एप्सिलॉन नॉट से छोटी आती है तो मतलब हमारा जो रोल्ड सेक्शन है यहाँ पे E की जो वैल्यू होती है वो होती है 250/FY रूट में, तो FY की वैल्यू 250 होती है 410 FU 410 के लिए, तो इस हमेशा ये 1 आता है। तो E की 9.4 तो मैंने इंटू कर दूंगा 1 का, तो कितना हो जाएगा 9.4 ही रहेगा, और जो हमारी रोल्ड सेक्शन की वैल्यू आई है वो 6.6 आई है, मतलब जो कि 9.4 से काफ़ी छोटी थी, मतलब हमारा सेक्शन कौन सा रोल्ड सेक्शन है। और अब सेकेंड क्राइटेरिया होता है वहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस एट मिड डेप्थ, इसका फॉर्मूला होता है D/TW। ये सारे फॉर्मूले जो है आपको IS कोड 800/2007 में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप ढूंढने के तो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या थी, 400 थी, और TW की वैल्यू 8 थी, जो कि इसकी वैल्यू जो आना चाहिए वो 84 ε0 से छोटी आना चाहिए, तो 50 आ रही है, वो भी हमारी सही है। तो इस अगर ये दोनों वैल्यू हमारी छोटी आती हैं तो हमारा जो क्लास 1 प्लास्टिक होगा, ये हमारा सेक्शन जो है क्लास 1 प्लास्टिक का होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 6 पे। अब हम करेंगे चेक फॉर डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ हमारे सेक्शन की निकालेंगे। अब डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है VD = AV×FY/√3/M0। ये फॉर्मूला भी आपको IS कोड में मिल जाएगा। AV जो होता है यहाँ पे हमारा शेयर एरिया होता है, AV क्या होता है हमारा शेयर एरिया होता है, जिसकी वैल्यू होती है D×TW, वो हॉट रोल सेक्शन के लिए, रोल सेक्शन है हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा हमारा, तो D की वैल्यू हमें दी थी और TW क्या है हमारे थिकनेस ऑफ वेब। इस तरीके से हमारी जो वैल्यू निकल के जाएगी AV की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हम डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ भी निकाल लेंगे।
जो कि हमारी आएगी वी बराबर 133.35 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम चेक करेंगे हमारा सेक्शन जो है हाई शेयर में आ रहा है या लो शेयर में आ रहा है। इसके लिए भी दो क्राइटेरिया होते हैं। जब आपका हाई शेयर का फॉर्मूला और लो शेयर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 0.6 × VD। बेसिकली ये 0.8 होता है लेकिन बुक में 0.6 दिया। आप चाहें तो 0.8 × VD भी ले सकते हैं। तो 0.6 × VD से किया मैंने। यदि 0.6 VD की वैल्यू अगर V से बड़ी आती, मतलब V कौन सा, V जो हमने यहाँ पर निकाला वो ये है V की वैल्यू 133 किलो न्यूटन से अगर बड़ी आती है 0.6 × VD की वैल्यू, तुम्हारा लो शेयर में होगा। और अगर 0.6 VD की वैल्यू हमारी अगर V से छोटी आती है तो मतलब हमारा हाई शेयर होगा। दो क्राइटेरिया होते हैं, IS कोड में ये मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने VD की वैल्यू निकाली 0.6 VD की, जो आई 251.88, जो कि हमारे उससे क्या है सेक्शन से बढ़िया, तो हमारा क्या होगा लो शेयर में रहेगा हमारा सेक्शन। अब आते हैं स्टेप 7 पर, चेक फॉर डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेस। अब डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे हम, हमारा अगर लो शेयर में आता है तो फिर हमें क्या करना रहता है, एक ही फॉर्मूला वैसे MD जिसको हम MD से डिनोट करते हैं डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ को, अगर हमारा लो शेयर में होता है तो केवल हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करना होता है जो कि होता है βB×ZP×YF/γM0। और यदि हमारा हाई शेयर में आता है मतलब 0.6 VD की वैल्यू अगर हमारी छोटी आती है V से, तो हमें दो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ते हैं MD के। दूसरे वाले क्वेश्चन में मैं आपको करके बता चुका हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ जाके उसको भी देख सकते हैं। तो ये VV इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे दोनों की। अब जो फर्स्ट जो केस वन है, जबकि लो शेयर होगा, लो शेयर में जो हमारे MD की वैल्यू होती है βB×ZP×FY/γM0, वो हमेशा क्या होना चाहिए छोटी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किससे, 1/2 ZDF/γM0 से, फॉर कौन से सेक्शन के लिए, कौन से बीम के, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। इस तरीके से हमने MD की वैल्यू निकाली जो कि हमारी क्या आ रही थी छोटी आ रही थी किससे, जो कि दूसरा फॉर्मूला लिखा है उससे, यानी हमारी MD की वैल्यू बिल्कुल सही है। तो MD की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, 263.26 यहाँ से जाएगी। अब हम निकालेंगे चेक फॉर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का भी चेक लगाएंगे। एक डिफ्लेक्शन जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वो होता है ∇ = 5×WLE^4/384EI। तो ये हर सपोर्ट बीम्स के लिए अलग होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अलग होगा, और कोजोन्स भी जितनी टाइप की बीम होती है सबके लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू अलग होती है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है। तो 5 फॉर्मूले का था, W की वैल्यू 35 थी जो कि टोटल वेट था, और ∇ × 5 जो 5 मीटर था हमारा उसको हमने MM में चेंज कर दिया, 5000 mm हो गया वो। और 384 फॉर्मूला था, EI की वैल्यू हमेशा सेम होती है 2×10^5 होती है हमेशा, आप देख लें। और जो I की वैल्यू वो होती है, I जो निकाला था हमने वो ये होती 19306.3×10^4 I की वैल्यू, जो कि हम पहले ही निकाल चुके थे x एक्सिस के अबाउट। तो अब जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा किससे हमेशा छोटा आना चाहिए, लिमिटिंग डिफ्लेक्शन से। लिमिटिंग डिफ्लेक्शन मतलब होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सीधी सी बात है, अगर कोई भी डिफ्लेक्शन आ रहा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कम ही आना चाहिए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है span/300 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। स्पान की वैल्यू 5000 mm थी अपन 300 फॉर्मूले का। तो लिमिटिंग डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई 16 आई, और इस तरीके से हमारी जो रिफ्लेक्शन की वैल्यू थी 7.38 mm आई। तो यानी कि हमारा डिफ्लेक्शन जो है लिमिटिंग डिफ्लेक्शन से छोटा है। इस तरीके से हमारा जो है मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगली स्टेप पे चलते हैं। तो अगली स्टेप पे मैंने एक डायग्राम बना के बताया आपको, इतने पास कुछ नहीं, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी शो करिए। तो बिल्कुल अब ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, और काफ़ी IMP न्यूमेरिकल है, बहुत IMP न्यूमेरिकल है ये। लेटरली सपोर्टेड बीम का न्यूमेरिकल है, लेटरली अनसपोर्टेड का न्यूमेरिकल और करेंगे हम इस वाले यूनिट में। और हमारा यहाँ पर जो स्टील की एक यूनिट सारी कंप्लीट हो जाएगी, IMP यूनिट बहुत कंप्लीट हो जाएगी। तीनों क्वेश्चन मेरी IMP डाले हैं मैंने, तो आप बिल्कुल बने रहें मेरे साथ, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा ऐसे ही। और वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, और कोई भी कमेंट है आपका तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कोई भी क्वेरी है तो कोई समझ में नहीं आ रहा था, आप मैं ज़रूर एक बार कमेंट करें, मैं ज़रूर समझाने की आपको कोशिश करूँगा। और बने रहिए मेरे साथ, और थैंक यू।